नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा। तो बारिश का मौसम है और पकौड़े मिल जाए तो क्या बात है। तो आइए चलते हैं मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाने के लिए। अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना लहसुन और प्याज का वेजिटेबल पकौड़ा जो कि बहुत टेस्टी बनेगा, और जो लोग नहीं खाते हैं लहसुन प्याज वो भी खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएं इसे। इसे साइड कर देते हैं। तो इसमें आप कोई भी अपने मनपसंद का सब्जी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ली हूँ पत्ता गोभी 2 चम्मच है, ये फूल गोभी 2 चम्मच है, धनिया पत्ता है कुछ थोड़ी सी, और यहाँ आलू 3 चम्मच है, टेबल स्पून से है ये सभी, और 2 चम्मच शिमला मिर्च, 2 चम्मच गाजर, और 1 परवल है ये, और 1 बैंगन है, और 1 हरी मिर्च है। हरी मिर्च मैं यहाँ पर 1 इसलिए दे रही हूँ कि क्योंकि मुझे इसमें पाउडर मिक्स करना है, मिर्ची पाउडर। इसलिए आप इसमें नमक और मिर्च स्वाद अनुसार लें। यहाँ 1/2 चम्मच नमक है और 1/2 चम्मच से थोड़ी कम हल्दी पाउडर है, और टीस्पून से 4 भाग का 1 मिर्च पाउडर है, और ये 1/2 चम्मच गरम मसाला है, और ये आमचूर पाउडर है 1/2 चम्मच, और यहाँ पर धनिया पाउडर है टीस्पून से 1/2 चम्मच, और कलौंजी है जिसे मंगरेल भी कहते हैं ये 1/2 छोटी चम्मच है, और अजवाइन 1/2 छोटी चम्मच है। ये सभी को हमें बेसन में मिक्स करना है। आमचूर के जगह आप नींबू का रस ले सकते हैं। यहाँ 1 कप बेसन है वजन में 125 ग्राम के आसपास। अब इसमें सभी चीज़ मिलाएंगे, आलू, शिमला मिर्च, गाजर, परवल, बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, हरी मिर्च और धनिया के पत्ते। अब इसमें मसाले डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, मिर्च पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, कलौंजी यानी कि मंगरेल, और अजवाइन। अजवाइन को हम हाथ में रगड़ कर डालेंगे, इसको इस तरह हाथ में लेके इस तरह मसल कर डालें। अब इसे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करना है। मैं यहाँ पर आलू और गाजर को इसमें कद्दूकस करके मैं डाली हूँ। इस तरह डालने से बहुत ही अच्छा बनता है, तो आप घस कर ही डालें। अगर और चीज़ भी घस के डालना चाहते हैं तो इस तरह कद्दूकस कर लें। इसमें खाने वाला सोडा बाद में इसमें मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसे जब मिक्स करें तो हाथ से ही मिक्स करें, ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है हाथ से। अब इसे ढक कर रख देंगे, 10 मिनट के बाद इसे बनाएंगे। ये इसे रेस्ट देंगे तो इसे ये अगर रेस्ट देंगे तो ये थोड़ा सॉफ्ट बन जाएंगे, तो इसलिए हमें रेस्ट देना ज़रूरी है। करीब 15 मिनट हो गया है। अब इसमें हमें 1 चम्मच चावल का आटा डालना है, इससे पकौड़े बाहर से कुरकुरे रहेंगे और अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। तो चावल का आटा डालें, नहीं तो कॉर्नफ्लावर डालें। मैं यहाँ 1 चम्मच चावल का आटा डाली हूँ। अब इसमें हमें खाने वाला सोडा डालना है, बेकिंग सोडा, ज़्यादा नहीं डालना है, देख सकते हैं 1 चुटकी है। अब इसे हाथ से हमें फिर से मिक्स कर देनी है। मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। इस तरह से अच्छे से हमें मिलाना है। तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है, अब हम पकौड़े को डाल लेंगे। अब जितना छोटा रखना चाहें उतना छोटा डालें। अब इसे पलट देंगे, इसी तरह से बीच बीच में पलटना है। मैं आधा मिनट के बाद पलट रही हूँ, और मीडियम आंच पर ही इसे पकाना है। इस तरह से पलट पलट के पकाना है ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह ये पक जाए। इस तरह एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। अगर बच्चे सब्जी नहीं भी खाते होंगे तो अगर इस तरह से आप देंगे तो बच्चे ज़रूर सब्जी पसंद करेंगे खाना। अब ये हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। बन के तैयार हैं क्रिस्पी पकौड़े। बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से नरम। आप भी इस तरह ज़रूर बनाकर
देखें। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। देखकर पता चल रहा होगा कितना अच्छा है। तो आइए चलते हैं, पकौड़े बनाते हैं।